आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रीराम एग्रोटेक में। किसान भाइयों, आज अपन लेके आए हैं तूड़ी लोडर, जिसको अपन पराली लोडर भी बोलते हैं, भूसा लोडर भी बोलते हैं, और इसके कई नाम हैं। मैं आपको इस लोडर के बारे में बताना चाहूँगा किसान भाइयों। ये 24 फुटा लोडर है, इसको हम 26 फुट भी बोलते हैं, 24 भी बोलते हैं। ये तूड़ी लोडर है, बड़े वाला। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ये लोडर बनाया है जोनडियर 5310 फोर व्हील ड्राइव पे। जो ये ट्रैक्टर है पावर रिवर्सर, पावर रिवर्सर के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की खूबी क्या है, पावर रिवर्सर किसको बोलते हैं। एक बार मैं लोडर आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं ट्रैक्टर बताता हूँ। पावर रिवर्सर जो ट्रैक्टर है, इसमें किसान भाइयों, एक मिनट में बताऊँ आपको, इसमें ये बैक गियर कहीं नहीं दिया हुआ, इसमें पावर रिवर्सल गियर दिया हुआ है। ये इस गियर को अपन न्यूट्रल करेंगे तभी ये काम करेगा। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। मैं आपको बताना चाहूँगा पावर रिवर्सल का मतलब, एक बार स्टार्ट करता हूँ किसान भाइयों। ये अपन ने स्टार्ट किया, इसमें अपन ने गियर डाला, ये गियर डाल दिया, इसमें अपन ने ये फर्स्ट गियर डालते हैं, ये फर्स्ट गियर हो गया। अब ये मूवमेंट नहीं कर रहा, इसको किसान भाइयों आगे करने के लिए अंगुली से, फिंगर टच से अपन ने आगे किया, ये आगे चला गया उसी स्पीड में। क्लच दबाना नहीं पड़ता इसके लिए, क्लच का कोई रोल नहीं है। बैक किया अपन ने, ये बैक चलने लग गया, आगे किया आगे चलने लग गया, सिर्फ फिंगर का काम है ये। किसान भाइयों, मैंने आपको दिखाया पावर रिवर्सल क्या काम करता है। ये सिर्फ आगे करने से सारे गियरों में आगे चलेगा, पीछे करने से सभी गियरों में पीछे चलेगा। इसके लिए क्लच नहीं दबाना पड़ता, क्लच का कोई रोल नहीं है। ये लोडर में बहुत ही फायदेमंद है किसान भाइयों। और मैं इस पावर रिवर्सल में बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम दिया है, जिसको अपन इसका सिर हेड बोल सकते हैं, जिसमें पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल दो जगह से होता है इसमें, एक तो यहाँ से और एक ये मीटर में सब चीज़ें इसकी बताता है। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ इसमें जो PTO गियर दिया है वो इलेक्ट्रिक दिया है। बटन को ऊपर करते हैं PTO चालू हो जाता है, नीचे करते हैं बंद हो जाता है। इसमें कोई गियर सिस्टम नहीं है। जब अपन पावर रिवर्सल वाले गियर को आगे करते हैं, गियर की कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि गियर इसमें नहीं डलता, ये इलेक्ट्रिक काम करता है, अपने आप इसमें गियर चेंज होते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अपन ने तूड़ी लोडर बनाया है, जो आज के समय के अनुसार इसकी काफ़ी डिमांड है। मैं आपको किसान भाइयों इसमें बताऊंगा हमने क्या क्या लगाया है इसमें। देखो किसान भाइयों, पहले तो मैं बताता हूँ आपको, जो हमने इसका चेचिस बनाया है वो डबल फ्रेम में बनाया है। हमने जो भी इसमें लोहा मेटेरियल यूज में लिया है वो पूरा टाटा विजाग का काम में लिया है। इसमें किसान भाइयों डबल फ्रेम लगाया है हमने। डबल फ्रेम के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये डबल फ्रेम लगा के हमने इसमें जो इसको सपोर्ट एक्स्ट्रा दिए हैं, और आगे भी सपोर्ट बहुत हैवी ड्यूटी दिए हैं। एक एक बारीकी से इस लोडर को बनाया है। इस लोडर में मेन ये जो पिलर है वो 8-3 का दिया है। इसमें जो भी पिने हैं कंप्लीट JCB की है। अंदर बुशिंग सिस्टम में है किसान भाइयों। इसके जैक जो लोग आपको 24 फुट कहते हैं, वो जैक करीब 80 इंच के लगा रहे हैं, 82 इंच के लगा रहे हैं। इसमें आपको जैक पूरा 7 फिट का 84 इंच मिलेगा। इसमें जो ये जो इसका झूला है, जो अपन इसको ब्रोकेट को खोलते हैं, वो भारी हैवी ड्यूटी में बनाया है, ये देखिए, ताकि वाइब्रेशन ना हो सके। और जो इसका ब्रैकेट है वो भी बहुत हैवी सीट में बनाया है, जो 6 mm की भारी सीट ली है। और इसका ब्रैकेट देखिए कितना बड़ा ब्रैकेट हमने बनाया है, ताकि अपने को गाड़ी भरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आसानी से आराम से जल्दी भर सके, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों। मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा, पीछे हमने इसमें ऑयल टैंक लगाया है। इसमें ऑयल टैंक के अंदर हमने इसमें फिल्टर लगाया है, जो 5 लीटर ऑयल में भी काम करता है। उस टेक्निक से हमने इसको मॉडिफाई किया है, ताकि ऑयल कम होते हुए भी सर्विस ज़्यादा दे। इसमें गेयर बक्से से हमने इसमें ऑयल पंप लगाया है, और इसकी जो AC लगाई है, कूलेंट सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन लगाई है। ये जिंदगी में भी, जिंदगी अपन बोले जब तक ट्रैक्टर रहेगा, जब तक लोड रहेगा, तब तक अपना ये AC कभी ख़राब नहीं होगा, और कूल करेगा बहुत ऑयल को, परेशानी नहीं आएगी।
मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ इसकी फिटिंग। इसमें पीछे हमने एक कूंदा दिया है, हुक दिया है, ताकि अपन किसी भी गाड़ी को टोचन करके ले जा सके हैं किसान भाइयों। इसमें हमने एक हवा के लिए टैंक दिया है, ये टैंक हमने खड़ा इसलिए लगाया है ताकि पीछे देखने में परेशानी ना हो ड्राइवर को। इसके साथ साथ हमने 2 HP हेड लगाया है इसमें, और इस पर देखिए इसकी फिटिंग कितनी हैवी ड्यूटी है। क्लच प्लेट डालने में कोई परेशानी नहीं होती ट्रैक्टर में। और ये देखो, मैं एक बार इसको आपको हाइट दिखाता हूँ इसकी, और इसको ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ किसान भाइयों। ये देखिए अपना लोडर, बहुत ही फिटिंग हमने इसमें आगे बम्पर बना के दिया है ताकि इसका लुक बन सके। किसान भाइयों एक बार मैं ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ इसको। किसान भाइयों, मैंने अभी आपको इस लोडर की हाइट दिखाई, बहुत ही ज़्यादा हाइट है 24 फुटी, और इससे बड़ा लोडर नहीं बनता। ये बहुत मैक्सिमम लोडर है, और आपको मैं अभी इसको चला के भी दिखाया कितना स्मूथ ट्रैक्टर चल रहा है। ये ट्रैक्टर पे कोई दबाव नहीं है, और बिल्कुल इसकी फिटिंग में एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा किसान भाइयों। बहुत ही लाजवाब इसकी फिटिंग है, मजबूती बहुत ही ज़्यादा है, नो मेंटेनेंस का ये लोडर है। आप हमसे लोडर बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हो। हमारी कंपनी है श्रीराम कृषि यंत्र उद्योग, जो रामपुरा ढाबड़ी में स्थित है। आजकल एक ही नाम से कई कंपनियां हो गई। आप इसकी ओरिजिनलिटी के लिए काम देखिए, और जो मेरे मोबाइल नंबर है 9351234101, इस पर आप एक बार ज़रूर संपर्क करिए किसान भाइयों। और अपनी दूसरी जो फर्म है, जो कंपनी है, वो जैतपुरा रिक्को में स्थित है, जो RB एग्रोटेक इंडस्ट्रीज़ के नाम से है, जो उद्योग विहार जैतपुरा में स्थित है। आप इस पर संपर्क कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो कोई भी परेशानी हो। लोडर जो आपको दिया जाएगा उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जो इसकी पिन भूसे हैं पूरी टोटल कंप्लीट JCB की हार्डनेस वाली है। किसान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल के आइकन को दबाइए। और किसान भाइयों, किसी भी परेशानी या कोई भी आपको परेशानी हो या किसी भी कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। मेरे मोबाइल नंबर है, एक बार आप लिख लीजिए 9351234101। इस पर किसी भी प्रकार का लोडर, डोजर, JCB, जो भी आपको हाइड्रा वगैरह बनवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ हम 2 ब्रोकर देते हैं, एक बड़ा ब्रोकर तूड़ी वाला और एक छोटा ब्रोकर खाद, मिट्टी, रोड़ी, बजरी के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।